जय हिंद सभी को। आज हम बात करेंगे कि अभी हम थोड़ा देर पहले जो SSC ऑफिस में कॉल किए तो क्या बातचीत हुआ, अभी आपको हम कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाएंगे कि SSC ऑफिस प्रयागराज, जिसको आप लोग इलाहाबाद भी कहते हैं, वहाँ पे कॉल लगा, हम बात किए SSC कांस्टेबल GD 2018 के विषय में। देखिए, हम लोग का मेन मुद्दा है 2018 का कांस्टेबल GD का जो वैकेंसी है, उसमें जितने भी मेडिकल फिट स्टूडेंट हुए थे या सभी चरणों को पास करने वाले जो कैंडिडेट हैं, सबको ज्वाइनिंग मिलना चाहिए, ये हम लोग का मेन मुद्दा है। तो हम कुछ विशेष बात भी करेंगे रिकॉर्डिंग सुनाने के बाद, कुछ विशेष बात भी करेंगे, इसलिए ये छोटा सा वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, ठीक है? पहले रिकॉर्डिंग सुनिए। हाँ बोलिए। हाँ सर, बहुत बार कॉल लगाए सर, परेशान हो गए, आप लोग कॉल नहीं उठाते हैं। कॉल लगाए थे? रोज लगा रहे हैं सर, रोज। अभी तो एक बार नहीं उठ गया होगा। नहीं सर, इससे पहले दूसरा बड़ा, उसके पहले जो ऊपर टेलीफोन का नंबर है उसमें तो नहीं उठा। इसमें पहली बार उठा कि नहीं? जी जी जी, एक तो बात कहना है सर, सर सुनिएगा। बताइए सर, SSC कांस्टेबल GD 2018 वाला भर्ती कंप्लीट नहीं हुआ है सर अभी तक, क्या बात है? क्या कंप्लीट नहीं हुआ है? कांस्टेबल GD का भर्ती जो है 2018 वाला, आपका मैटर कहाँ पे फंसा हुआ है ये बताइए? आपका मैटर कहाँ पे फंसा हुआ है? मेरा मैटर यहाँ फंसा हुआ है सर कि 60,210 सीट था, तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो निकला उसमें 60,210 बच्चा कहाँ है? क्या हुआ? उसमें टोटल कैंडिडेट कहाँ है आपका 60,210? आप जो भी कहना है मेल करिए अपने डिटेल्स के साथ। ठीक है सर, हम अभी कर रहे हैं। तो अभी आप लोगों ने सुना, आपको शायद ये सोच के लगाओ कि हम जो है 60,210 सीट के बारे में बोले, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम लोग कहीं भी ट्रेन मोटर में चढ़ते हैं, जब सीट नहीं मिलता, जब जगह नहीं मिलता है बैठने के लिए, तो सबसे पहले किसी प्रकार से घुसते हैं, उसके बाद धीरे धीरे जगह बनाते हैं, ठीक है? हम लोग का मेन मुद्दा हर हमेशा यही रहेगा, ऑल मेडिकल फिट स्टूडेंट ज्वाइनिंग, ठीक है? तो अभी जो हम बात करने वाले हैं, जैसा ध्यान से सुनिएगा कि मतलब ऑल डिटेल के साथ उनको ईमेल करना है। हम ऐसा जो है एक दो जगह और किए हैं, एक बार यहाँ भी चांस लेना चाहते हैं, इसलिए आप में से अगर कोई कैंडिडेट ऐसा इच्छुक है कि कमेंट के माध्यम से अपना डिटेल में मतलब आप अपना नाम और रोल नंबर, ठीक है, ये दें, जिससे कि हम जो है इसको ईमेल के साथ अटैच करके वहाँ डाल सकें, और जल्दी हमको विश्वास है कि रिप्लाई आएगा। देखते हैं क्या रिप्लाई आता है, उसके बाद आपको बताएंगे। और इस प्रकार से हम बहुत जगह RTI भी लगाए हैं, अभी बहुत जगह से रिप्लाई नहीं आया है। सब जगह जितना भी है ट्रेनिंग सेंटर से भी लगातार कांटेक्ट में है कि सर अगर आपके पास ट्रेनिंग सेंटर में जगह खाली है तो कम से कम बुलाइए स्टूडेंट को। अब देखिए, अब SSC वाला यही बोल रहा है कि अब मेरा तो भर्ती पूरा हो गया है, हालांकि इसने ऐसा नहीं कहा, ऐसा कहा था गृह मंत्रालय वाला, उनका वो कॉल रिकॉर्डिंग मेरा सुनिएगा, ठीक है? तो अभी क्या है, हम लोग सबको प्लॉट पर ला रहे हैं, धीरे धीरे फिर से मुद्दा गर्म कर रहे हैं, और अगला भर्ती जो बनाएंगे, क्योंकि रिप्लाई दे देगा तुरंत, समझे, ईमेल के बाद रिप्लाई दे देता है, आपको हम दिखाए भी होंगे। तो अगर कोई कैंडिडेट इच्छुक क्या है, मेरे पास पहले ढेर सारा कैंडिडेट का डिटेल था, लेकिन सब ख़त्म हो गया समय के साथ, और अगर अभी कोई कैंडिडेट देना चाहे तो अच्छा बात है, अगर रिप्लाई अच्छा आता है, गुड न्यूज आता है, तो हम आपको शाम में अपडेट देंगे। और कुछ भी रिप्लाई आता है, और इस प्रकार जिस प्रकार से भी हम लगातार आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, SSC कांस्टेबल GD 2018 के सभी विद्यार्थी के लिए, अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हम लोग बहुत जल्दी सफल हो जाएंगे, ठीक है? घबराने वाली बात नहीं है, हम आपके साथ हैं, सिर्फ आप मेरा सपोर्ट कीजिए, देखिए हम लोग का कहाँ से कहाँ पहुँचता है मुद्दा, ठीक है? धन्यवाद। जय हिंद।